आज भी एक बार फिर से आप लोगों की ओर से सख्त लहजे में चेतावनी तो दे दी गई है जफर इस्लाम साहब, लेकिन आगे होगा क्या यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है ना। 25 फरवरी को बनाए गए नए आईटी रूल्स में सरकार ने यह साफ किया था कि जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के 50 लाख से ज्यादा यूजर होंगे उन्हें भारत में शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी और इसके लिए 3 महीने का वक्त भी दिया गया था। 25 मई को इसकी सीमा खत्म भी हो गई और पिछले हफ्ते ट्विटर की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में कहा गया कि उसने 28 मई को शिकायत अधिकारी की नियुक्ति कर दी है। हालांकि इससे सरकार संतुष्ट है नहीं, तो आगे पूरे मामले में क्या होगा बताइए आप। देखिए ऐसा है कि क्या होना है वो मैं आपको बता रहा हूं। दो ही चीज होनी है चित्रा जी, या तो उन कंपनियों को देश के कानून को का पालन करना पड़ेगा या देश से उनको बिजनेस करने का जो अवसर है वो खत्म हो जाएगा। यही दो चीजें हो सकती है और कुछ नहीं। इसलिए कि ऐसा ये देश है जिसमें कानून का पालन होता है, वो ये बनाना रिपब्लिक नहीं कि आपके लिए कुछ और, किसी और के लिए कुछ और, तीसरे के लिए कुछ और। और ये मोदी जी का रेजिम है, यहाँ पर देश में हर के लिए बराबर कानून है, यकसा कानून है। लेकिन अगर किसी को ऐसे कोई भ्रम है कि इस देश में ट्विटर को जरूरत है, तो ट्विटर को इस देश की जरूरत है, ट्विटर इस देश को ट्विटर की जरूरत नहीं, इस देशवासियों को ट्विटर की जरूरत नहीं है। चाहे वो कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, जफर इस्लाम बैठे हैं, या यहाँ पर और भी लेफ्ट के लोग बैठे हैं, सबके लिए देश उनके जो है प्राथमिकता होनी चाहिए। और कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा भी कि ट्विटर को इस देश के कानून को पालन करना पड़ेगा। लेकिन जो उनके ओपनिंग रिमार्क्स में उन्होंने कहा था वो उस पर मैं बहुत ही ऑब्जेक्शनल स्टेटमेंट है भाई। अगर 2014 में वो सही काम कर रहे थे तो ये कांग्रेस की थोड़ी रूल है कि आर्टिकल 356 है, जिस तरह से गलत तरीके से इस्तेमाल किया, इस्तेमाल का वो आपने गलत तरीके से इस्तेमाल कर लिया। लेकिन आज अगर अरे भाई आज अगर जब गलत किया तो अगर आपको अगर इस पे आपत्ति नहीं कि हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट का जो है वो अनवेरिफाइड कर दे, जबकि वो जो कारण दिया है, कारण अपने आप में एक्सपोज होती है, कारण ट्विटर खुद एक्सपोज होती है, एक फर्जी और भाजपा के द्वारा किया गया, ट्विटर खुद से एक्सपोज हो जाती है कि जब वो कहती है कि अनवेरिफाइड करते हैं उस वक्त जबकि इनएक्टिव अकाउंट होता है। अच्छा अभी तो हमें ज्ञान दे रहे, अभी तो ज्ञान दे रहे थे कि हम बोलते नहीं, अभी आप बौखलाए हैं या कुछ कांग्रेस के प्रवक्ताओं का समय नहीं दिया है कि भैया गाली वाली दिया करो आप। जैसे मैं गाली वाली देने से काम नहीं चलेगा भाई, हम गाली वाली हम लोग डिसिप्लिन पार्टी के सोल्जर है। आप जो आपकी जमीन खिसक गई है तो आप जाइए बॉम्बे में नाटक करने का, तो बॉम्बे चले जाइए, लेकिन यहाँ पर टीवी चैनल में बैठ के सादगी से बात कीजिए, इसलिए कि शांति से बात कर रहे हैं। और अगर उससे भी ज्यादा है तो और भी दूसरा जगह का बता देंगे, दूसरे तरह का नाटक करना है तो बॉम्बे का और एड्रेस बता देंगे। ठीक है जफर इस्लाम साहब आपकी बात हो गई, लेकिन रोहन गुप्ता जी तो सवाल तो महत्वपूर्ण है ना, ट्विटर से शिकायत करने के लिए कांग्रेस पार्टी इतनी उत्साहित नजर आती है जैसे कि देश की वो कोई संवैधानिक संस्था हो। सवाल महत्वपूर्ण है, अगर आप किसी भी बीजेपी नेता से या किसी भी विरोधी से सहमत नहीं है या आपको लगता है कि नहीं ये फेक न्यूज फैला रहे हैं या ये गलत कर रहे हैं, समाज में इससे गलत मैसेज जाएगा या जो भी स्थिति बनती है, तो देश की अदालतें हैं उसके लिए क्या जरूरत है? आपके पूरे के पूरे नेता पहुंच जाते हैं ट्विटर से शिकायत करने के लिए, जैसे उनके सर्टिफिकेट की बहुत जरूरत है। देखिए चित्रा जी, मैंने मेरी बात की शुरुआत में ही कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, देश के उपराष्ट्रपति के खिलाफ इस प्रकार का जो भी उन्होंने एक्शन जानबूझ के लिया या अनइंटेंशन, ये टॉलरेट नहीं हो सकता और उनको जवाब देना पड़ेगा। मुद्दा यहाँ पे काफी बड़ा है चित्रा जी, और आपसे विनती करूंगा क्योंकि सेकंड राउंड में आपने मुझे समय नहीं दिया, तो मुझे समय थोड़ा ज्यादा दिया जाए। यहाँ पे मुद्दा बड़ा है, ये जो सरकार है ये अंग्रेजों के पीछे माफी मांगने वाली सरकार है। अंग्रेज तो चले गए, इनको पीछे छोड़ गए। थोपो और राज करो, जो भी हम थोप देंगे वही हम राज करेंगे। मैं चित्रा जी आपको 50 ऐसे एग्जांपल सोशल मीडिया पे दिखाना चाहूंगा कि जहां पे भाजपा के प्रवक्ताओं ने झूठ फैलाया, फर्जीवाड़ा किया, आज भी वो सोशल मीडिया पे है। ये सरकार की विश्वसनीयता तब होती जब एक बार भी उसके ऊपर एक्शन ले बना पाया, तो इसको भरोसा होता। आज यही लोग तय करेंगे कि क्या ऑब्जेक्शनेबल है। भाजपा के खिलाफ बोलना देश के खिलाफ बोलना नहीं है चित्रा जी, देशद्रोह भाजपा के खिलाफ बोलना, यही उन्होंने कर दिया है। आज रविशंकर प्रसाद जी ने बीच में सब प्लेटफॉर्म को लेटर लिखा कि आप ये सारी पोस्ट को हटा दीजिए। वो पोस्ट वो थी जो सरकार के खिलाफ लिख रही थी। कोरोना काल में पूरे देश ने देखा कि सोशल मीडिया देश की आवाज बना, ऐसे ऐसे मुद्दे लोगों ने देखे, किसानों के मुद्दे पे वो डर चुके हैं। हाँ, डर होने के बाद मेरा सिर्फ ये बात सही है, लेकिन न्याय करने के लिए ट्विटर नहीं है। कौन गलत है ये साबित करने के लिए ट्विटर नहीं है, उसके लिए इस देश ने, हिंदुस्तान ने अपनी अलग व्यवस्था बनाकर रखी हुई है और उसके लिए किसी विदेशी कंपनी की जरूरत नहीं है रोहन गुप्ता जी। लेकिन आप लोगों ने चूंकि सरकार के बहुत सारे बड़े बड़े चेहरों की शिकायत ट्विटर से की,
इस वजह से भी तो मन बढ़ गया होगा ना जी, दस उसका, सेकंड क्या इस बात को नहीं देखिए माना चित्रा जाए? जी, चित्रा जी बिल्कुल देखिए, ट्विटर को कोई अधिकार नहीं है कि उनके प्लेटफॉर्म के बीएंड कोई एक्शन ले। जब उनके प्रवक्ता ने फर्जीवाड़ा किया, हमने वहां पे उनको कागज दिए, उनको लगा कि हाँ ये फर्जीवाड़ा है, उसमें मैनिपुलेटेड मीडिया किया, तो सरकार क्यों तिल मिलाने लगी, क्यों उनको इतना डर लगने लग गया? अगर उनके प्रवक्ता से भी गलती हुई है तो सरकार को सामने आके माफी मांगनी चाहिए। ये क्या तरीका है? आपने ट्विटर के जो कार्यालय उसके ऊपर अटैक बोल दिया, हम ट्विटर के साथ नहीं खड़े यहाँ पे। मैं यहाँ पे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग सत्ता में है अगर उनकी विश्वसनीयता ही नहीं होगी, उनके खिलाफ बोलने वाला अगर देशद्रोही होगा, तो आप कभी भी न्याय नहीं दे पाएंगे। आज वो सोशल मीडिया की आवाज से डर चुके हैं, ये जो 56 इंची है वो एक चिड़िया से डर चुके हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है, कितनी आवाज को चुप करोगे आप एक प्लेटफॉर्म को बंद करोगे 10 प्लेटफॉर्म करोगे, क्योंकि जनता की आवाज बन चुका है। आपका झूठ नहीं चलेगा जफर इस्लाम, बहुत हो चुका, पूरे देश ने देखा, आपके सारे बोलने की पूरी आजादी है, चाहे वो ट्विटर के माध्यम से करे, चाहे वो आपके चैनल के माध्यम से करे, चाहे वो न्यूज़पेपर के माध्यम से करे, चाहे वो बाहर में जाके डंका बजा के करे, किसी को कोई रुकावट नहीं है। लेकिन हमने सिर्फ इतना कहा कि गलत चीजें जो है ट्विटर पर डाल के अगर देश में अराजकता फैलाने की कोई कोशिश करे तो सरकार का दायित्व है। अरे अरे सुनिए, गलत कौन डिसाइड करेगा? एक मिनट देखिए, बीच में नहीं बोला, देखिए चित्रा जी इन्हें बता दीजिए, बीच में बोलेंगे तो इनको डिसाइड किया। अरे गलत कौन डिसाइड? अरे भाई चुप तो रहो, फर्जीवाड़ा करेंगे आप, इनको सही बात बताओ, इनको आईना दिखाओ तो इनको समझ में नहीं आएगा। प्लीज प्लीज नहीं, इनको आईना दिखाओ तो इनको इनको परेशानी होती लगती है, इनको आईना दिखाओ तो इनको परेशानी होने लगती है। मैं देखिए मिस यूज करेंगे चित्रा जी, अगर मैंने आपकी बात मान के नहीं बोला तो इन्हें भी आप चुप करेंगे तो मैं चुप नहीं। जफर इस्लाम साहब जल्दी से अपनी बात खत्म करें। देखिए मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो गलत पोस्ट होगा उसको उसको उतारने के लिए सरकार की दायित्व है, सरकार बोलेगी, लेकिन सरकार यहाँ यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देश को चलकर। अरे चुप रहो, उतारिए, अनसिविलाइज्ड मैन, आप चुप नहीं रह सकते क्या? झूठ मत बोलिए, आप चुप रहिए, चुप रहिए, आप सच बोलिए। आजकल कांग्रेस के प्रवक्ताओं को कुछ काम नहीं है, और खाली चुपचाप बीच से बोलने के अलावा कुछ काम नहीं है। जब मैं चुन रहा हूँ तुम्हारी बात, तो इडियट के जैसा भी तो मत बोलो, नहीं बौखला नहीं रहे, इडियट के जैसा मत बोलो। हम डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, आप जब बहुत पर्सनल कमेंट नहीं, हमने इनके बार बार सुनी, जितना भी बोला अंग्रेजों की बात करते हैं, गुलामी करते हैं इटालियन की, एक प्रेसिडेंट नहीं ढूंढ पाए और ये अंग्रेजों की बात करते हैं।